अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सेवन स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर टू की थर्ड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज टू सी और चैप्टर नंबर टू आज हमारा क्लोज हो जाएगा। रैशनल नंबर्स हमारा टॉपिक है। जो एक्सरसाइज टू सी है इसमें क्या है, रैशनल फ्रैक्शंस की ही हमारी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स है। याद रखें कि जब भी ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स का मतलब होगा तो मैंने कई दफ़ा अपने लेक्चर्स में पहले बता चुका हूँ, ऑपरेशन मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और फिर उनका कम्बिनेशन कैसे करना होगा। सबसे पहले दो बातें याद रखनी है कि जब कभी भी रैशनल नंबर्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि एक दो रैशनल नंबर्स के दरमियान सिंगल साइन होगा। यानी अगर दो साइंस हैं तो पहले उन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करके सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखते हैं और जो भी ऑपरेशन है यानी न्यूमरेटर अगर ऐड हो रहे हैं तो उनको ऐड कर देते हैं और अगर न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कब? जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। और दूसरा रूल क्या है, वैन द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के मेथड से। एंड जब हमारे पास दो रैशनल या दो रैशनल फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने का तरीका होता है कि सेम नंबर से या सेम नंबर से एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसकी कटिंग की जाती है और उसके बाद अगर फर्दर कटिंग नहीं हो रही तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिख दें। और तीसरा रूल क्या होगा, व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर डिवाइडेड, यानी जब दो रैशनल नंबर को हमने डिवाइड करना है तो डिवीजन के साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन होगा उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद फिर उसकी कटिंग करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकालते हैं। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दो रैशनल फ्रैक्शंस दिए हुए -5/8 एंड 1/4, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है लिहाजा जो दो रैशनल नंबर्स हैं उनके दरमियान ऐड का मतलब होता है प्लस का साइन लगा देंगे। तो -5/8 +1/4। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 8। एलसीएम को नीचे लिखेंगे। अब देखेंगे 8 के टेबल में 8 कहाँ पर रहता है, यानी 8 ones are 8, तो 1 आया। अब 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका न्यूमरेटर था -5। सिमिलरली अब 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2s are, या इन अदर वर्ड्स 8 को 4 से डिवाइड कर लें तो 4 2s are 8, जो 2 आएगा वो इधर लिखेंगे और इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर। यानी जो कॉन्सेप्ट है ये आप छोटी क्लासेस में भी सीखे आए हैं, क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए 8 को 8 से डिवाइड किया 1 आया। अब 1 को मैंने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, अब 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया यानी 4 2s are 8, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस माइनस माइनस, 5 1s are 5 और +2 1s are 2, तो -5 और +2 को जब हम ऐड करेंगे तो -3/8 आ जाएगा। ये आपको अलजेब्रिक रूल्स आने चाहिए कि जब दोनों दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं अगर दोनों का साइन सेम हो, यानी अगर दोनों पॉजिटिव हों तो आंसर पॉजिटिव आता है, दोनों नेगेटिव हों तो आंसर नेगेटिव आएगा और नंबर्स को ऐड कर देंगे। और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो क्या करते हैं कि बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस करते हैं और साइन बड़ी वाली का लगा देते हैं। तो क्योंकि ये -5 बड़ा था और ये +2 था तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेंगे और -3/8 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4, -3/11 +-5/11। अभी मैंने बताया स्टार्ट में कि जब भी किसी रैशनल नंबर से पहले दो साइन होंगे तो उसको पहले सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे फिर एलसीएम लेंगे और ये दोनों हमेशा मल्टीप्लाई हो रहेंगे, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब आ गया -3/11 -5/11। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है लिहाजा एलसीएम की जरूरत नहीं है, 11 को एक दफ़ा लिखेंगे और जो ऑपरेशन न्यूमरेटर में है, एडिशन है तो एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यानी देखिए -3 और -5 दोनों आ गए। अब क्योंकि दोनों को जब हम ऐड करेंगे दोनों नेगेटिव हैं, जैसे 5 और 3 ऐड हो जाएंगे और साइन दोनों का वही होगा जो माइनस होगा, यानी -3 और -5 को जब ऐड करते हैं तो वो -8 बन जाता है, लिहाजा आंसर आ जाएगा -8/11। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, अगेन सिंपलीफाई लिखा है लेकिन
करना वही एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सिंप्लीफाई में देखेंगे कि कौन सा साइन आ रहा है। अब अगेन ये देखें, माइनस थ्री और माइनस सेवन है, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन है, तो पहले साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लें, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और पहली और अकेली टर्म के साथ प्लस का साइन नहीं लिखा जाता, या इन अदर वर्ड हम कहेंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया थ्री ओवर सेवन प्लस टू ओवर फाइव। अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फाइव और सेवन का एलसीएम लिया हुआ आ गया थर्टी फाइव। अब सेवन फाइव का थर्टी फाइव होता है, तो यानी फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर यानी थ्री से, प्लस फाइव सेवन का थर्टी फाइव होता है, यानी सेवन मल्टीप्लाइड बाय टू। एक और बात याद रखनी है अलजेब्रा में, जब दो वैल्यूज ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कहीं पे मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज करूंगा और कहीं पे ब्रैकेट, ताकि दोनों का मतलब एक ही होता है। ये फाइव थ्री जार फिफ्टीन हो गया, प्लस सेवन टू जार फोर्टीन हो गया। अब फिफ्टीन प्लस फोर्टीन क्या, ट्वेंटी नाइन ओवर थर्टी फाइव। अगर यहाँ पे फर्दर कटिंग हो रही होती तो हम कर देते, लेकिन क्योंकि ट्वेंटी नाइन एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अपने और वन के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर वन, यानी क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में सारे सवाल ऐसे ही थे, उसमें से दो तीन मैंने सेलेक्ट कर लिए, अब बाकी जो रिमेनिंग है वो आप होमवर्क में कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन वैसी होगी कि हमने याद इनको ऐड करना होगा या इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो माइनस सिक्स ओवर सेवन माइनस इंटू माइनस टू ओवर सेवन, सबसे पहले दो साइन आ गए, इसकी जगह एक साइन बनाए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये जगह प्लस, यानी माइनस सिक्स ओवर सेवन प्लस टू ओवर सेवन। अब डिनोमिनेटर सेम है, जैसे एलसीएम की जरूरत नहीं है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे सेवन को, और जो ऑपरेशन ऊपर चल रहा है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी माइनस सिक्स प्लस टू। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माइनस करेंगे और साइन बड़ी वाली का लगाएंगे, तो सिक्स माइनस टू किया फोर, और बड़ी वाली टर्म थी माइनस की, तो लिहाजा माइनस फोर ओवर सेवन आंसर आ गया। पार्ट नंबर थ्री, टेन ओवर सिक्सटी थ्री माइनस इंटू माइनस सिक्स ओवर सेवन, अगेन दो साइन है, पहले इनको साइन को सिंपल करें या सिंगल साइन में कन्वर्ट करें, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो टेन ओवर सिक्सटी थ्री प्लस सिक्स ओवर सेवन। अब सेवन और सिक्सटी थ्री का जब एलसीएम लेंगे वो आएगा सिक्सटी थ्री। अब सिक्सटी थ्री वन जा सिक्सटी थ्री होता है, लिहाजा वन मल्टीप्लाइड बाय टेन हो गया, प्लस सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री होता है, लिहाजा नाइन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स हो गया। तो टेन वन जा टेन प्लस नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, इन दोनों को ऐड किया, सिक्सटी फोर ओवर सिक्सटी थ्री आंसर आ गया। यानी जो पहला क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फोर को मैंने एंड पे किया क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर टू थ्री और फाइव में से कुछ सवाल सेलेक्ट किए जो मुझे लग रहा था कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, वो मैंने आपको करवा दिए। इन सब में यही करना था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी, सिर्फ आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लें, और उसके बाद वो एलसीएम के तरीके से जो आपको सिखाया है कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करें और जो आंसर है उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद रूल्स ऑफ अलजेब्रा जो होते हैं कि दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव या पॉजिटिव है, उसके अंदर रूल्स ऑफ एडिशन लगा के उसको सिंप्लीफाई करें और आंसर लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो आ गया है कि मल्टीप्लाइंग अ रैशनल नंबर बाय अनदर रैशनल नंबर, कि जब दो रैशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है तब हमने रूल साइन में रखना है, अगेन माइनस के और प्लस के अगर साइन एक से ज़्यादा हैं तो पहले उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है, फिर आपने कटिंग करनी है, एक नंबर न्यूमरेटर से लेना है एक डिनोमिनेटर से, और दोनों अगर सेम नंबर से उनकी कटिंग हो रही है डिवाइड हो रहे हैं तब हमने करना है, अदरवाइज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई थ्री बाय इलेवन बाय माइनस टू ओवर नाइन, यानी थ्री बाय इलेवन को मल्टीप्लाई करना है माइनस टू ओवर नाइन से, तो बाय की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि लिखा हुआ मल्टीप्लाई करना है, अगर लिखा होता डिवाइड दिस फ्रैक्शन बाय दिस तब हम डिवीजन का साइन यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर बाय अनदर रैशनल नंबर, तो y की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, यानी थ्री ओवर इलेवन मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू ओवर नाइन। अब देखें इसमें अगर कटिंग हो रही है, नजर आ रहा है कि थ्री वन जार थ्री और थ्री थ्री जार नाइन, सबसे पहले हमने देखना है कि जब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाए तो हमने ये देखना है कि क्या किसी एक ही टेबल के या किसी एक ही नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, यानी एक न्यूमरेटर का और एक डिनोमिनेटर का, तो हम उसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो टू वन जार टू प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस टू वन जार टू डिवाइडेड बाई इलेवन थ्री जार थर्टी थ्री, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर थ्री,
माइनस 5/7 बाय 14/15, क्योंकि अगेन मल्टीप्लाई करना है तो बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो माइनस 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 14/15। अब अगेन ऊपर और नीचे देखें कटिंग हो रही है, यानी 5 के टेबल से 5 और 15 दोनों की कटिंग हो सकती है। तो 5 1 5 और 5 3 15। सिमिलरली 7 के टेबल से इन दोनों नंबर्स की कटिंग हो सकती है, 7 1 7 7 2 14। जब हमने कटिंग करनी है एक बात याद रखनी है कि हम सेम फ्रैक्शन को ऊपर नीचे भी कटिंग कर सकते हैं और क्रॉस में भी कर सकते हैं। सिर्फ देखना यह है कि बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है तब हम कटिंग नहीं कर सकते। अब कटिंग करने के बाद प्लस माइनस, माइनस 2 1 2 और 3 1 3, तो -2/3 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 लिया जिसमें दो फ्रैक्शन को या दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना है। कैसे? -3/8 डिवाइडेड बाई -3/4। अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो दो रैशनल नंबर्स हैं जिनको हमने डिवाइड करना है उनका साइन सिंगल होना जरूरी है। सिंगल साइन के बाद जब वो अपनी ओरिजिनल रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, यानी पी और क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, फिर डिवीजन की बजाय हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है या डिवीजन के बाद वाला जो रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले देना। जब वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो फिर वही रूल अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी एक नंबर ऊपर से लेंगे और एक नंबर नीचे से, और सेम टेबल से अगर उनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे। तो वही किया, -3/8 ऐसे ही आ गया, डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी 4/-3। अब देखें ऊपर नीचे कटिंग करें, 3 और 3 दोनों की कटिंग हो रही है, यानी 3 के टेबल से 3 1 3 3 1 3। सिमिलरली 4 से ये दोनों कटिंग हो रही, 4 1 4 4 2 8। अब उसके बाद हमने आंसर निकालना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और अगर जो साइंस हैं साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता ही है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तब भी प्लस, और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उनका जो प्रोडक्ट लेते हैं तो वो माइनस साइन में आता है। ये देखें एक माइनस ऊपर था एक माइनस नीचे था, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि दो साइन है माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहली और अकेली टर्म के साथ प्लस का साइन नहीं लिखा जाता, लिहाजा लिखेंगे 1 1 1 और नीचे आ गए 2 1 2, तो 1/2। ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे या माइनस माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है, या माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तब भी वो प्लस बन जाता है। पार्ट नंबर 5, -6/15 डिवाइडेड बाई 4/35। तो ब्रैकेट ओपन कर लें, पहले सिंगल फ्रैक्शन है यानी -6/15, डिवीजन की जाए मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया और इसका रेसिप्रोकल लें 35/4। अब देखें सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर हैं जिसकी सेम टेबल से कटिंग कर सकते हैं, यस दे आर, कि ये 15 है और ये 35, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, ऐसा लिखेंगे 5 3 15 और 5 7 35। सिमिलरली 6 और 4 दोनों ही डिविजिबल बाय 2 हैं, लिहाजा हम इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 4 और 2 3 6। अब उसके बाद जो न्यूमरेटर में हमारी वैल्यूज आई हैं उनको हम प्रोडक्ट ले लें और डिनोमिनेटर्स का उसका भी प्रोडक्ट ले लें, तो माइनस प्लस माइनस 7 3 21, फिर 2 3 6। अगेन अब देखें 21 और 6 दोनों की 3 के टेबल से कटिंग हो रही है। मैं यहाँ पे भी इसको कट कर सकता था 3 को 3 से, लेकिन वो फिर मैस क्रिएट हो जाता है तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, लिहाजा आप फर्स्ट कटिंग करें और उसके बाद उसका प्रोडक्ट लेने के बाद लिख लें, उसके बाद दोबारा अगर कटिंग हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप में करें ताकि मैस क्रिएट ना हो। तो 21 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, या बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3, 3 7 21 और 3 2 6, तो आंसर आ गया -7/2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। एक बात याद रखनी है कि पहली और अकेली टर्म के साथ प्लस का साइन नहीं आता, लेकिन माइनस का साइन चाहे पहली हो चाहे अकेली हो या सेंटर में हो, माइनस का साइन हर सूरत में आपने लगाना है, पॉजिटिव साइन फर्स्ट और लोन टर्म के साथ नहीं लिखा जाता। पार्ट नंबर 2, 15/7 डिवाइडेड बाय -5/14। अगेन पहले ही फ्रैक्शन में है तो 15/7 डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये हो गया 14/-5। अब फिर देखें कटिंग हो रही है, 5 और 15 दोनों 5 के साथ डिविजिबल है, 5 1 5 5 3 15। सिमिलरली 7 और 14 7 के टेबल से कटिंग हो रही है, 7 1 7 7 2 14। अब उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी 2 3 6 डिवाइडेड बाय
माइनस वन और प्लस वन को मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन। ये मैंने इसलिए लिखा है माइनस वन क्योंकि अगर नेगेटिव वन हो तो वो लिखा जाता है, लेकिन अगर खाली वन हो तो डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। तो इसको ख़त्म करने का तरीका बताने लगा हूँ। अब ये माइनस है, जिसके साथ नहीं लगा वो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये फिर नीचे वाला वन नहीं लिखेंगे, यानी आंसर आ जाएगा माइनस सिक्स। अब जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पार्ट्स करवा दिए हैं, बाकी सारे पार्ट्स भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि उसके अंदर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, यानी बाकी जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने होमवर्क में कर लेने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है बाय नेचर, कि दो साइड्स दी हुई हैं। अब जब दो साइड्स के साथ लिखा हो शो दैट वेरीफाई दैट या प्रूव दैट, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग लेके सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर दोनों का सेम आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है माइनस टू बाई फाइव प्लस फोर बाई नाइन प्लस माइनस थ्री बाई फोर, यानी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है यानी पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये एक रैशनल फ्रैक्शन बन जाएगा फिर दूसरे के साथ इसको लेके आएंगे, और क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो रूल्स ऑफ एलसीएम यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे? सबसे पहले माइनस टू ओवर फाइव और प्लस फोर ओवर नाइन, फाइव और नाइन क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है और बीच में प्लस का साइन है, लिहाजा नीचे एलसीएम ले लेंगे। नाइन और फाइव का एलसीएम लेंगे तो आएगा 45। अब 45 के टेबल में 45 को 5 से डिवाइड करें तो 5 नाइन का 45, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू। मैंने बताया कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। प्लस अब 45 को 9 से डिवाइड करें तो 9 5 का 45, 5 आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। प्लस माइनस 3 बाई 4 एज इट इज नीचे लें। अब देखें माइनस प्लस माइनस 9 टू जार 18, यानी माइनस 18 आ गया, प्लस 5 4 जार 20, तो माइनस 18 प्लस 20 ओवर 45 और ये एज इट इज नीचे आ गया। अब 20 में से 18 को माइनस किया तो आ गया 2 ओवर 45। अब इसका ब्रैकेट खोल दें, दो साइन है, एक साइन बना दें, प्लस माइनस माइनस, यानी 2 ओवर 45 माइनस 3 ओवर 4। अब अगेन बीच में माइनस का साइन आ गया, लिहाजा डिनोमिनेटर को सेम नहीं है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 45 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे वो आएगा 180। अब 180 को जब आपने 45 से डिवाइड किया तो आया 4, 4 को इसके न्यूमरेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस जब 180 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, तो 45 को इसके न्यूमरेटर यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 टू जार 8 माइनस 45 थ्री जार 135 ओवर 180। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बड़ी वाली में से छोटी को माइनस करें और साइन बड़ी वाली का लगा दें, तो माइनस 135 प्लस 8 करेंगे तो माइनस 127 ओवर 180 आ गया। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, माइनस 2 ओवर 5 प्लस विद इन ब्रैकेट 4 ओवर 9 माइनस 3 ओवर 4। अब पहले इस वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 ओवर 5 एज इट इज आ गया, प्लस 4 और 9 का एलसीएम लिया 36। अब 9 4 से 36 होता है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय इसका न्यूमरेटर यानी वो भी 4 है। फिर माइनस 4 से 36 को डिवाइड करेंगे यानी 4 9 का 36, तो 9 आ गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय इसका न्यूमरेटर था 3। ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब फिर माइनस 2 और 5 एज इट इज आ गया, प्लस 4 4 सा 16 माइनस 9 3 सा 27, तो 16 माइनस 27 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 11 ओवर 36। अब अगेन दो साइन हो गए तो इसको पहले सिंगल साइन में कन्वर्ट करें, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ गया माइनस 2 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 36। अब 5 और 36 क्योंकि दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, उनका एलसीएम है, उनका एलसीएम भी आएगा 180। अब 180 आ गया, अब 5 से 180 को डिवाइड करेंगे आएगा 36, इसको इसके न्यूमरेटर यानी माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 36 से 180 को डिवाइड किया तो आया 5, 5 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें यानी 11 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 36 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 आ गया माइनस 72, फिर माइनस 5 11 जार आ गया 55 ओवर 180। अब माइनस 72 और माइनस 55 है दोनों को ऐड करें तो आंसर आ गया माइनस 127 ओवर 180, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी जब कभी भी प्रूव दैट या शो दैट या वेरीफाई दैट लिखा हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमेशा सेम आएगा। रिवाइज करवा देता हूँ। अब जो एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरे पास फर्दर बोर्ड पे जगह नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि हर तरह का सवाल जो मुश्किल सवाल है वो भी मैंने करवा दिया, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये भी करवा दिया। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो उम्मीद है कि आप इन रूल्स को जो मैंने समझाए हैं और जो तरीकाकार बताया है उससे करेंगे तो एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे।
जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर बीच में रैशनल नंबर्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन है तो उसको हमेशा एलसीएम से सिंप्लीफाई करें। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को सिर्फ एक दफ़ा लिखें और जो भी ऑपरेशन है न्यूमिनेटर में अगर वो ऐड हो रहे हैं तो उनको ऐड करें, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करें। लेकिन अगर किसी भी रैशनल फ्रैक्शन से पहले दो साइन आ रहे हैं तो उन दोनों साइन की बजाय उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करें और रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। यानी पहले उसको डबल साइन की बजाय सिंगल साइन में कन्वर्ट करें, फिर वही रूल अप्लाई करें। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लें, फिर इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करें, जो आंसर है उसको उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ, इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करें और फिर जो आंसर है उसको उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, फिर रूल्स ऑफ एडिशन लगाएं और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लें। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई करना हो फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर्स को और डिवाइड करना हो तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपने देखना है कि दो साइन नहीं होने चाहिए, पहले उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करें। फिर मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है कि एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर ऐसा है जो किसी एक ही नंबर से दोनों डिविजिबल हैं तो उससे उसकी कटिंग कर दें। जब कटिंग करने के बाद न्यूमरेटर जो बच जाएंगे उन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर लिख दें और नीचे वालों का प्रोडक्ट नीचे लिख दें। अगर उसके बाद फर्दर फिर कटिंग हो रही है किसी सेम टेबल से तो कर दें, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला कर छोड़ दें। डिवीजन के लिए क्या है कि जो डिवीजन के साइन के बाद वाला आपका रैशनल फ्रैक्शन या रैशनल फ्रैक्शन दिया हुआ है या रैशनल नंबर दिया हुआ है आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है और उसके बाद वही रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देना जो ऊपर किया बताया। और जब दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा पहले लेफ्ट हैंड साइड को करें फिर राइट हैंड साइड को करें और दोनों का आंसर सेम आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो आपका होमवर्क है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है, जो क्वेश्चंस मैंने किए ये आपका क्लास वर्क हो गया, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है। और उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो नए चैप्टर से चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4, वो देखूंगा मैं आपको किस चैप्टर में आपके साथ दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह।